अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सभी मतदाताओं से मतदान को लेकर की अपील। बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के साथ मतदान अवश्य करने का दिया संदेश। निर्वाचन स्वीप सेल जाड़ोल के अनुरोध पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलाशा मधुरम हिंदी यूट्यूब डायरेक्टर बाल गोपाल शर्मा ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि हम सभी को आने वाले निर्वाचनों में लोकतंत्र की निष्पक्ष सबल परंपरा को निभाते हुए निर्भीक होकर बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के मतदान अवश्य करें। AERO तहसीलदार जाड़ोल शिवन्या गुप्ता ने शर्मा को धन्यवाद देते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी की बात कही। उक्त जानकारी स्वीप ब्लॉक को ऑर्डिनेटर सूर्यप्रकाश जोशी ने दी। नमस्ते, मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलासिया, उदयपुर, राजस्थान। आप सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करता हूं कि आने वाले निर्वाचन में हम सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है और चुनावों में हम अपने मत का जो प्रयोग है वो जाति, धर्म, क्षेत्र, पंथ, मजहब इत्यादि से ऊपर उठकर निर्भीकता पूर्वक स्पष्टता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार मतदाता होता है और हम सभी सजग मतदाता के रूप में इस निर्वाचन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बने, स्वयं मतदान करें और सभी मतदाताओं से आग्रह करें, क्योंकि सरकार के द्वारा मतदान दिवस को अवकाश राजकीय कार्यालयों में और गैर राजकीय कार्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है। तो हम मिलकर आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखने वाला, धर्मनिरपेक्ष, संविधान के अनुसार चलने वाला एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमें गर्व है कि हम इस लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। तो आइए मिलकर सजग राष्ट्र के सजग नागरिक होने का दायित्व निभाते हैं और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हमें जो निरंतर जागरूक किया जा रहा है विविध माध्यमों के द्वारा, तो भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को और अच्छे से हम साबित करें और घर घर जो हमारे मतदाता हैं वो निर्वाचन में 100% हिस्सा लें, यही भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है, आप सभी से आकांक्षा है। तो आइए मिलकर इस निर्वाचन में हम भागीदार बने और अपने पास पड़ोस के मतदाताओं को भागीदारी करवाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।